नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ। हम सब आज के समय में अपने बालों की समस्याओं से बहुत अधिक परेशान हैं। बालों का झड़ना, टूटना, कमज़ोर होना और ग्रो ना होना, इस समस्या से हर कोई ग्रसित है। लेकिन आज के मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये समस्या हल हो जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपका ये सपना लंबे, घने, काले, खूबसूरत बालों का ज़रूर पूरा होगा। तो इस वीडियो को देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लगाने का एक तरीका, इस रेमेडी को यूज़ करने का सही तरीका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप इससे, इस तरीके से उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो चलिए इस रेमेडी को, इस ऑयल को बनाना हम शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और सिंपल चीज़ों के साथ इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, एलोवेरा जेल, सौंदर्य यानी कि पतंजलि का। आप कोई और ब्रांड भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये ब्रांड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और सबसे बेस्ट है अगर आप ओरिजिनल एलोवेरा यूज़ करें। मैंने अपने घर में प्लांट लगाया हुआ है तो मैं ओरिजिनल एलोवेरा भी यूज़ करती हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण या प्लांट ना मिल पाने के कारण आप इस तरह से पैकेट वाला या पैकिंग मार्केट वाला यूज़ कर सकते हैं। मैं ओरिजिनल भी काफ़ी हद तक यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास ये है। और इस तरीके से इसे निकाल, दो पार्ट में करने के बाद आप इसका जेल निकाल लीजिए और फिर उसे आप जेल को मिक्स करिए। तो यहाँ पे मैं ऑयल ले रही हूँ, ऑयल जो कि मैं पतंजलि का ही यूज़ कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल है ये, और आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। साथ ही हम कैस्टर ऑयल लेंगे जो कि मेरा है डाबर का, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। लेकिन आप पतंजलि जो कैस्टर ऑयल, सॉरी, जो आप नारियल का तेल लेंगे ना, वो आप वर्जिन ऑयल ही लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है। या फिर पैराशूट का भी ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं विटामिन ई के कैप्सूल ले रही हूँ एवियन के नाम से, जो कि इजीली केमिस्ट पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, तो आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले लीजिए। मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच, तो इतना मेरी हेयर्स के लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 स्पून मैंने इसमें एलोवेरा जेल लिया है। अगर आप ओरिजिनल वाला, प्लांट वाला ले रहे हैं तो भी 1 चम्मच के करीब इसमें आप पल्प मिला लें उसका। और कैस्टर ऑयल हम इसमें कम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी कम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसलिए हम इसे कम यूज़ करेंगे। लेकिन इसे यूज़ ज़रूर करना है क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपके हेयर्स की बहुत ग्रोथ करता है। अगर आपके हेयर्स लॉन्ग हैं तो आप इसमें एवियन के 2 कैप्सूल मिक्स करें, और अगर आपके हेयर्स शॉर्ट हैं तो 1 काफ़ी होगा। तो इस तरह से इसे कट कर लेने के बाद आप इसका पूरा का पूरा जेल जो है वो इसमें ऑयल में मिक्स कर लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे गुनगुना ही लगाना है। तो मैं कहूँगी कि इसे आप डायरेक्ट कभी भी गरम ना करें। एक कटोरी में गरम पानी रख लें बड़े बर्तन में, और उसमें इस कटोरी को रख लें। उसके बाद इसे गुनगुना गुनगुना सा आप अपने हेयर्स में अप्लाई करें, और फिंगर टिप्स को तब तक आप अपने स्कैल्प पर रब करें जब तक कि उस थोड़ी सी गर्माहट महसूस ना होने लगे। अगर आप इस तरीके से अपने हेयर्स की मसाज करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और अगर आप उसके बाद स्टीम दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। तो जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।